हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है लखनऊ की चिकनकारी। ठीक है, जो चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी है वो लखनऊ की फेमस एम्ब्रॉयडरी है, यानी कि उत्तर प्रदेश की फेमस एम्ब्रॉयडरी है। तो चिकन लखनऊ की प्रसिद्ध शैली है और कढ़ाई और कसीदाकारी की यह लखनऊ की कशिदाकारी का उत्कृष्ट नमूना है। तो और लखनवी जरतोजी यहाँ का लघु उद्योग है, जो कुर्ते और साड़ियों जैसे कपड़ों पर अपने कलाकारी की छाप चढ़ाते हैं। इस उद्योग का ज़्यादातर हिस्सा जो होता है वो पुराने लखनऊ के चौक इलाके में फैला हुआ है, और यहाँ के बाज़ार जो होता है वो चिकन कशीदाकारी की दुकानों से भरा हुआ है। क्योंकि देखिए, जो चिकन की कशीदाकारी है वो जो है लखनऊ में बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रचलित है। तो वहाँ की हर एक शॉप पर, हर दुकान, हर मार्केट में ये कशीदाकारी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ के बाज़ार चिकन कशीदाकारी की दुकानों से भरे हुए हैं। मुर्री, जाली, बखिया, टेपची, ठप्पा आदि 36 प्रकार की चिकन की शैलियाँ होती हैं, यानी कि अलग अलग तरह की चिकनकारी होती है। तो इसके माहिर प्रसिद्ध कारीगरों में उस्ताद फियाज खां और हसन मिर्ज़ा साहब थे। तो देखिए, हस्तशिल्प उद्योग का एक ख़ास पहलू यह भी होता है कि उसमें 95% महिलाएं हैं, यानी कि जो देखिए, जो चिकनकारी है, जो एम्ब्रॉयडरी है या जो कसीदाकारी है वो हाथों से की जाती है, जिसमें बहुत माहिर कारीगर शामिल होते हैं। तो इसमें जो कारीगरों की संख्या है उसमें 95% जो है महिलाएं हैं, शामिल हैं। तो ज़्यादातर महिलाएं लखनऊ में गोमती नदी के पार के पुराने इलाकों में बसी हुई हैं, और चिकन की कला अब लखनऊ शहर तक ही सीमित नहीं है। क्योंकि पहले टाइम में क्या होता था कि जो कलाकारी होती थी या कशीदाकारी होती थी तो इतने जो एक तरीके से वो अपने ही क्षेत्र तक सीमित होती थी, यानी कि अपने ही क्षेत्र में फैली हुई होती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, अब लखनऊ तथा आसपास के, थोड़ा सा इसमें गलत लिखा गया है, आसपास के शहरों गांव तक फैल गई है। तो मुग़ल काल से शुरू हुई चिकनकारी का शानदार सफ़र सैकड़ों देशों में होता हुआ आज भी बदस्तूर जारी है। तो देखिए, जो जो चिकनकारी का शुरुआत हुई वो मुग़ल काल से शुरू हुई, और जो बहुत सारे देशों में, यानी कि सैकड़ों से मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे देशों में, ऐसे बहुत सारे शहरों में होती हुई वो आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चिकनकारी का एक खूबसूरत आर्ट पीस जो है वो लंदन के रॉयल अल्बर्ट म्यूज़ियम में भी विश्व भर के पर्यटकों को अपनी गाथा सुना रहा है, यानी कि लंदन के जो म्यूज़ियम है उसमें भी एक पीस, यानी कि चिकनकारी का बहुत खूबसूरत पीस जो है रखा गया है, जो पर्यटक होते हैं उनको उसको उनको दिखाया जाता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर बना होता है। तो महीन कपड़े पर जो है सुई और धागे से विभिन्न टाँकों द्वारा की गई हाथ की कारीगरी जो है वो लखनऊ की चिकन कला कहलाती है, यानी कि जो बहुत बारीक कपड़े पर, जैसे सूती कपड़े होते हैं उनके ऊपर जो है सुई और धागे से जो है इस कसीदाकारी को किया जाता है, जो एक तरीके से लखनऊ की चिकनकारी कहलाती है। तो अपनी विशिष्टता के कारण ही यह कला सैकड़ों वर्षों से अपनी लोकप्रियता बनाए हुई हैं। क्योंकि देखिए, जो चिकनकारी होती है उसमें भी अलग अलग तरह के टाँके यूज़ किए जाते हैं, और पहली चीज़ ये होती है कि चिकनकारी की जो एम्ब्रॉयडरी होती है उसमें ज़्यादा जो है तड़क भड़क नहीं होती है, यानी कि वो जो ज़्यादातर, अब तो देखिए टाइम के साथ साथ चिकनकारी में रंगों का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन पहले टाइम में चिकनकारी को सफ़ेद धागों से बनाया जाता था और सफ़ेद वस्त्र के ऊपर ही उसको
किया जाता था, तो जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती थी। लेकिन समय के साथ साथ जो है चिकनकारी को अब और रंगों में भी किया जाता है, जैसे लाइट पिंक, येलो, तो अब उसमें रंगों का भी यूज़ किया जाने लगा है, यानी कि अलग अलग रंगों का भी यूज़ किया जाता है। तो यदि कोई ब्रश और रंगों के सहारे चित्रकारी करे तो इसमें नई बात क्या हुई, लेकिन अगर ब्रश की जगह एक महीन सुई हो और रंगों का काम कच्चे सूत के धागों से लिया जाता है, यानी कहा गया है कि नॉर्मल अगर आप ब्रश और कलर से कोई पेंटिंग करते हो या कोई कलाकारी करते हो तो उसमें कोई नई बात नहीं होती, लेकिन वही महीन कलाकारी आप ब्रश की जगह सुई और रंगों की जगह अगर आप धागों का सूत यानी कि धागों को ले रहे हो और उससे कलाकारी यानी कशीदाकारी कर रहे हो तो और कैनवास की जगह हो तो महीन कपड़ा, तो ऐसी चित्रकारी को अनूठी ही कहा जाता है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत और उसमें धागों और सुई से पूरी की पूरी कशीदाकारी को जो है किया जाता है। तो चिकन शब्द जो है वो फारसी भाषा के चाकिन से बिगड़कर बना है, या कह सकते हो आपकी चाकिन से बना है चिकनकारी। तो चाकिन का अर्थ जो होता है वो होता है कशीदाकारी, इसमें जो वर्ड है आप सही कर लेना, ये कशीदाकारी है, या बेल बूटे उभारना, यानी कि किसी भी वस्त्र पर धागों के द्वारा बेल बूटे यानी कि छोटे छोटे मोटिव्स, डिज़ाइन, लीव्स, पत्तियाँ, कुछ भी यानी बेल बूटे को उभारना होता है धागों से। तो जिस प्रकार मुगल काल में भारत की कला संगीत और संस्कृति को समृद्ध किया है और देश को ताजमहल और लाल किले जैसी अनेक इमारतें दी गई हैं, यानी कि मुग़ल काल में, उसी प्रकार जो है चिकनकारी भी है जो है मुग़ल काल की ही देन है। तो चिकनकारी भी मुगलिया तहजीब की एक अनमोल विरासत प्राप्त हुई है, जो कि लखनऊ की फेमस एम्ब्रॉयडरी यानी यूपी में जो लखनऊ है, लखनऊ की सबसे फेमस एम्ब्रॉयडरी कही जाती है, तो जिसमें ज़्यादातर जो है महिलाएं ही इस कारीगरी में ज़्यादा आगे हैं, यानी कि ये कारीगरी ज़्यादातर महिलाओं के द्वारा ही की जाती है। तो चिकनकारी में सुई और धागे के अलावा देखिए एक फैब्रिक होता है यानी एक वस्त्र होता है, वस्त्र के ऊपर ही दूसरी कशीदाकारी यानी कि धागे से और सुई की सहायता से उसके डिज़ाइन को और उभारना, उसमें नई कशीदाकारी को ऐड करना। तो चिकनकारी में सुई और धागों के अलावा कुछ और प्रयोग होता है, यानी कि कई तरीके से और भी कुछ चीज़ें प्रयोग में लाई जाती है, तो वह है आंखों की रोशनी, यानी कि देखिए बनाने वाला क्या होता है अपने हाथों उसे सुइयों और धागों का प्रयोग करता है, साथ में क्योंकि वो इतनी महीन बारीक होती है तो उसमें वो अपनी आंखों की रोशनी और एक उच्च स्तरीय कलात्मकता का बोध भी रखता है। तो सुई धागों से जन्मे टाँकों और जालियों का एक विस्तृत जटिल किंतु मोहक संसार है और तरह तरह के टाँकों का इसमें यूज़ किया जाता है और जालियों के अलग अलग नाम होते हैं या अलग अलग जो टाँके यूज़ किए जाते हैं, लेकिन चिकनकारी भी अलग अलग तरह की होती है, तो उसमें टाँकों का भी अलग अलग यूज़ किया जाता है। तो उनकी रचना का एक निश्चित विधान है और उनकी निजी विशेषताएँ होती हो यानी कि उनकी कुछ विशेषताएँ होती हैं। तो देखिए हर एक एम्ब्रॉयडरी की अपनी अपनी एक विशेषता होती है, एम्ब्रॉयडरी के जो टाँके होते हैं हर एक एम्ब्रॉयडरी के अलग अलग टाँके होते हैं। कुछ जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि जो देखिए पंजाब की फुलकारी है उसमें रेशमी धागों का यूज़ किया जाता है, उसमें बहुत सारे रंग बिरंगे रंगों का यानी कि बहुत सारे कलरफुल रंगों का जो धागे होते हैं उनको धागों का यूज़ किया जाता है और उसमें जो पैटर्न लिया जाता है वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न लिया जाता है, जो जिसमें फूलों का यानी कि फूलों का पैटर्न लिया जाता है जो एक ज्योमेट्रिकल शेप में बनाया जाता है। तो देखिए जैसे पंजाब की फुलकारी वो वहाँ की फेमस एम्ब्रॉयडरी है और जिसमें अलग अलग रंगों का यूज़ किया जाता है, तो इसी तरह जो
लखनऊ की फेमस एम्ब्रॉयडरी होती है चिकनकारी, जो ज़्यादातर जो है सफ़ेद वस्त्र के ऊपर सफ़ेद ही धागों से जो है एक तरीके से बनाई जाती है। तो आज के टाइम में क्या होता है कि इसमें कुछ रंगों को भी मिलाया गया है, यानी कि इसमें कुछ रंगों को भी ऐड किया गया है, तो जो बहुत महीन और बहुत सुंदर होती है, वस्त्र के ऊपर एक कशीदाकारी को उभारा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी जो चिकनकारी हमारा टॉपिक है, अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको मैं अब आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।